सेक्शन 6, 7, 8 and 9. 6 हमें बताता है रिस्ट्रिक्शन ऑन इंप्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर द एज ऑफ 21 years. 3 और 4 में हमने एडमोनिशन पढ़ा एंड प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पढ़ा. कल शाम की क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 5 को डिस्कस किया था जो कि कॉस्ट और कॉम्पनसेशन को इम्पोज करने के बारे में बात करता है. सेक्शन 6 बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट व्हेन द ऑफेंडर इज बिलो द एज ऑफ 21 years. यह है इसका बेसिक फ्रेमवर्क इस सेक्शन का. 7 हमें बताता है प्रोबेशन ऑफिसर जो रिपोर्ट सबमिट करता है, जिस रिपोर्ट की हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं, जिसे कोर्ट कंसीडर करता है सेक्शन 4 के अंडर कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, वो रिपोर्ट का स्टेटस कॉन्फिडेंशियल होगा, इट इज नॉट अ पब्लिक रिपोर्ट. सेक्शन 7 बताता है इट इज अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी सा सेक्शन है ये, एंड प्री में काफी बार आ गया है ये कि द स्टेटस ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर्स रिपोर्ट इज कॉन्फिडेंशियल, ध्यान रखिएगा. देन सेक्शन 8 हमें बताता है वेरिएशंस जो भी होते हैं कंडीशंस में उस समय पे क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है. एंड देन सेक्शन 9 हमें बताता है अगर कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता है तो कोर्ट क्या प्रोसीजर को अडॉप्ट करता है. तो ये है हमारे बेसिक सेक्शंस का ओवरव्यू. सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के ये सेक्शंस को. पहला सेक्शन है जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 6. देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है सेक्शन 6. सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 हमें ये बताता है व्हेन एनी पर्सन, एक मिनट, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 हमें यह बताता है व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 इयर्स ऑफ एज, जब भी कोई पर्सन, अच्छा पर्सन से यहां पर मतलब है मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं या फिर एनी अदर जेंडर भी हो सकता है. तो ध्यान रखिएगा इट इज नॉट ऑलवेज अ मेल, मेल फीमेल एंड एनी अदर जेंडर कोई भी हो सकता है, पर्सन से हमें यह इंटरप्रेट करना है. व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 इयर्स ऑफ एज, जैसा कि ये सेक्शन बोलता है इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए एज अंडर 21 इयर्स होना चाहिए. ध्यान रखिएगा सेक्शन 6 बात करता है व्हेन द एज इज बिलो 21 इयर्स. अंडर 21 इयर्स ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट बट नॉट विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. यानी कि जैसा कि हमने डिस्कस किया था सेक्शन 4 में डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए. ये सेक्शन भी उसी चीज को फॉलो करता है एंड ये बोलता है when he is found guilty of an offense which is punishable with imprisonment, कोई भी और imprisonment but it should not be life imprisonment. ध्यान रखिएगा the court by which the person is found guilty, जो court उस person से deal कर रहा है उसका trial कर रहा है, the court by which the person is found guilty shall not sentence him to the imprisonment unless it is satisfied that. कोर्ट उसे तब तक इम्प्रिजन नहीं करेगा, कोर्ट उसे तब तक इम्प्रिजन नहीं करेगा जब तक कि कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है having regard to the circumstances of the case, nature of the offense and the character of the offender. जैसा कि हम लोगों ने पिछले sections में भी discuss किया है, तीन सबसे most important चीजें होती हैं. कोर्ट देखता है circumstances of the case को, nature of the offense को and character of the offender को. इन तीन चीजों से हमें पता पड़ता है कि ऑफेंस कितना ग्रेव है और क्या उसे सेक्शन 3, 4 या 6 के अंडर रिलीज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है. हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर. ये तीन चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा ये तीन चीजों को. It would not be desirable to deal with him under section 3 or section 4. यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये तीनों circumstances को देखने के बाद, variables को देखने के बाद भी उसे section 3 में या 4 में
कोर्ट रिलीज नहीं कर सकता है, यानी कि एडमोनिशन नहीं दे सकता है और प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर भी रिलीज नहीं कर सकता है, पर अगर उसकी एज अगर 21 साल से कम है तो कोर्ट उसे सेक्शन 6 के अंडर डील करेगा। एंड इफ द कोर्ट पासेस बाय सेंटेंस एंड इफ द कोर्ट पासेस एनी सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट ऑन द ऑफेंडर इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर डूइंग सो। अगर वो उसे सेक्शन 3 में और 4 में नहीं रिलीज करता है तो सेक्शन 6 के अंडर उससे डील करते हुए अपने सेंटेंस को वो रिटन फॉर्म में लेगा एंड रिकॉर्ड करेगा। As to why he is not dealing with the offender under section 3 and 4 of the probation of offenders act. I hope आप लोगों को ये सब सेक्शन समझ आ गया हो, बहुत ही बेसिक है। अगर 21 साल से कम की उम्र है किसी भी ऑफेंडर की और अगर उसने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं हो सकती है, डेथ पेनल्टी नहीं हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट से कम की सजा रखता है वो ऑफेंस, और सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद, नेचर को देखने के बाद एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर को देखने के बाद अगर कोर्ट को यह लगता है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में उससे डील नहीं किया जा सकता है एंड इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड तो कोर्ट उसे सेक्शन 6 के अंडर रिलीज करेगा एंड विल रिकॉर्ड द रीजंस एज टू व्हाई ही इज नॉट डीलिंग विद द ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 एंड अंडर सेक्शन 4। आई होप आप लोगों को यह समझ आ गया हो। आइए चलते हैं हमारे अगले सबसेक्शन पे। वो हमें बताता है For the purposes of satisfying itself, whether it would not be desirable to deal under section 3 or section 4, court अपनी satisfaction को achieve करने के लिए, to achieve its satisfaction, court क्या करेगा? Court को जब भी लगता है कि section 3 और section 4 में offender को release नहीं किया जा सकता है, तो वो अपने satisfaction के लिए, the court shall call for a report, जैसा कि हम लोगों ने पिछले sections में भी discuss किया, प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट क्लेम करता है। कोर्ट को जब भी कोई कंफ्यूजन है या कोर्ट को जब भी कोई फाइंडिंग निकालनी है या जब भी कोई फाइंडिंग को कोर्ट को असर्टेन करना है तो कोर्ट विल अप्रोच दी प्रोबेशन ऑफिसर एंड वो उसे कहेगा कि आप एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करें जिसके अंदर आप ऑफेंडर का होम सराउंडिंग्स, उसका जो भी पास्ट रिकॉर्ड रहा है, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, किस प्रकार के नेचर ऑफ ऑफेंसेस उसने कमिट किए हैं, क्या कोई प्रीवियस कन्विक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ऑफेंडर को लेके, ऐसी चीजों से रिलेटेड कोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर को डायरेक्ट करेगा कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट कोर्ट ये तय करेगा कि क्या उसे सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 6 के अंडर रिलीज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू द सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद ही अपने सेटिस्फैक्शन को अचीव करता है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि उसे रिलीज देने से पहले असर्टेन करने हैं या उसे पता लगाने हैं, तभी कोर्ट उसे रिलीज करेगा, क्योंकि सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6 ये तीनों जो रिलीजेज हैं, जो ग्रांट्स हैं, वो कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर है। ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट मैंडेटरी, ये कंपलसरी नहीं है एंड दे कैनॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट बाय द ऑफेंडर। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। आइए पढ़ते हैं इस सब सेक्शन को। फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 विथ एन ऑफेंडर रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, द कोर्ट शैल कॉल फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोबेशन ऑफिसर एंड कंसिडर द रिपोर्ट। If any and any other information available to it relating to the character, जैसा कि हम लोगों ने discuss किया, character, nature, physical and mental condition of the offender, यानी कि उसका character हो गया, उसका past record हो गया and उसका mental status, यानी कि जो offenses उसने commit किए हैं क्या वो उनके nature को समझ सकता है, is he that mature कि वो उस ऑफेंस को समझ सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकता है, ये सारी चीजें पता लगाने के लिए कोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर से एक रिपोर्ट क्लेम कर सकता है। आई होप आप लोगों को ये सब सेक्शन समझ आ गया हो, बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कोई भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस प्रोसीजर को समझना है कि कोर्ट किस तरीके से ग्रांट करता है सेक्शन 3, 4 एंड 6 के अंडर रिलीजेस को। आइए चलते हैं हमारे अगले सब सेक्शन पे। अगला सेक्शन है सेक्शन 7, जैसा कि मैंने आपको
वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर सबमिट करता है उसका स्टेटस कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल से मतलब है इट कैन नॉट बी शेयर्ड व्हाइल अ ट्रायल इज गोइंग ऑन, यानी कि ऑफेंडर से शेयर नहीं किया जा सकता है, नाइदर इट इज शेयर्ड विद अ विक्टिम या और कोई भी पार्टी जो कि इन्वॉल्व है केस में, इट इज नॉट टू बी शेयर्ड विद दोस पीपल, उन लोगों के साथ इसकी शेयरिंग नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के रेफरेंस के लिए होता है एंड टू अचीव इट्स सेटिस्फैक्शन वेदर द कोर्ट शुड ग्रांट अ रिलीज और नॉट अंडर सेक्शन 3, 4 and 6। सिर्फ इसे असर्टेन करने के लिए ही कोर्ट इसे क्लेम करता है एंड इट इज नॉट टू बी मेड पब्लिक, इसे सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाता है। देखिए इसका बेयर लैंग्वेज क्या कहता है, द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 and सेक्शन 4। सबसेक्शन 2 हमें बताता है सेक्शन 4 का, जब प्रोबेशन ऑन गुड कंडक्ट के टाइम पे कोर्ट एक रिपोर्ट क्लेम करता है, एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 6 जैसा कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया, एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग रिलीज अंडर सेक्शन 6 कोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट क्लेम कर सकता है, शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, इसका स्टेटस कॉन्फिडेंशियल होता है। आई होप आप सभी लोग इसे समझ लें एंड इसे याद रखें, इट इज कॉन्फिडेंशियल। आईफोन मे आई प्लीज नो योर नेम, आप प्लीज अपना नाम मेंशन करें चैट बॉक्स में सो दैट वी कैन कीप अ रिकॉर्ड, प्लीज टेल योर नेम, थैंक यू। आइए चलते हैं इसके प्रोविजो पे, इसका प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इफ इट सो थिंग्स फिट, अगर कोर्ट को यह लगता है, यानी कि इट इज अगेन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो इफ इट सो थिंग्स फिट कम्युनिकेट द सब्सटेंस देयर ऑफ टू द ऑफेंडर एंड मे गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सच एविडेंस एज मे बी रेलेवेंट टू द मैटर स्टेटेड इन द रिपोर्ट। जैसा कि यह सेक्शन हमें बताता है कि द कंटेंट एंड द मैटर ऑफ द रिपोर्ट इज कॉन्फिडेंशियल, ये रिपोर्ट तो कॉन्फिडेंशियल है लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट को यह लगता है कि रिपोर्ट के अंदर मेंशन किए गई चीजों को उसे ऑफेंडर को कन्वे करना है या कम्युनिकेट करना है तो कोर्ट उसे एक अपॉर्चुनिटी देती है, उसे कन्वे करती है एंड अपॉर्चुनिटी देती है कि जो भी चीजें उसके अगेंस्ट मेंशन करी गई हैं उससे रिलेटेड अगर वो कोई एविडेंस को प्रोड्यूस करना चाहता है तो कर सकता है एज मे बी रेलेवेंट टू द मैटर स्टेटेड इन द रिपोर्ट। तो यह है इसका प्रोविजो, सेक्शन बोलता है द रिपोर्ट इज कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोविजो में ये बताता है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो भी मैटर रिपोर्ट के अंदर स्टेटेड है उन्हें उसे शेयर करना है ऑफेंडर के साथ सो दैट अ बेटर अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू द ऑफेंडर टू डिफेंड हिमसेल्फ तो कोर्ट उसे शेयर भी कर सकता है एंड द ऑफेंडर इज गिवन अ चांस टू प्रोड्यूस एन एविडेंस, ये कहता है हमारा सेक्शन 7। Basically, it is a confidential status of the probation officer's report which is submitted to the court. आइए चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आस्क। अगला सेक्शन हमें ये बताता है वेरिएशन ऑफ conditions ऑफ probation। अगर probation पे किसी को रिलीज किया गया है जो कि सेक्शन 4 में डिफाइंड है, उन probation orders के अंदर अगर कोई भी वेरिएशन आता है या वेरिएशन कोर्ट इंट्रोड्यूस करता है कंडीशन से रिलेटेड तो क्या प्रोसीजर होगा, कोर्ट क्या करेगा, आइए डिस्कस करते हैं इसे हम। इसका सबसेक्शन 1 हमें यह बताता है इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर, अगर प्रोबेशन ऑफिसर कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट को प्रोड्यूस करता है उस एप्लीकेशन में वो क्या बोलता है हम अभी डिस्कस करेंगे। इफ ऑन एन एप्लीकेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोबेशन ऑफिसर एनी कोर्ट विच पासिस, एक मिनट रहे, एनी कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, यानी कि जिस कोर्ट ने सेक्शन 4 के अंडर ऑर्डर को पास किया है उसी कोर्ट को ही प्रोबेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन प्रोड्यूस करनी होगी, ये ध्यान रखिएगा, वो किसी और दूसरे कोर्ट में जाके एप्लीकेशन को नहीं लगा सकता है। एनी कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड द पब्लिक, अगर एप्लीकेशन प्रोड्यूस होने के बाद कोर्ट को यह लगता है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड द पब्लिक इट इज एक्सपीडियंट और नेसेसरी टू वेरी द कंडीशंस ऑफ एनी बॉन्ड एंटर्ड इनटू बाय द ऑफेंडर, अगर एप्लीकेशन प्रोड्यूस करने के बाद कोर्ट को यह लगता है कि ऑफेंडर के इंटरेस्ट में
या फिर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में इट इज नेसेसरी टू वेरी द कंडीशंस, कंडीशंस को चेंज करने की जरूरत है या कंडीशंस को ऑल्टर करने की जरूरत है, अगर कोर्ट को यह लगता है तो कोर्ट, देखिए फ्रेंड्स यहां पर शब्द यूज हुआ है मे, मे का मतलब है इट अगेन डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। जरूरी नहीं है कि प्रोबेशन ऑफिसर ने अगर एप्लीकेशन लगा दी तो कोर्ट उसे वेरी करेगा ही करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। इट मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव, यानी कि जब बॉन्ड इफेक्टिव है, यानी कि बॉन्ड इन कोर्स ऑफ एक्शन है, बॉन्ड का पीरियड मैक्सिमम 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है एंड 1 साल से कम नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, नॉट मोर देन 3 years एंड लेस देन 1 year, ध्यान रखिएगा ये। इसी पीरियड के दौरान ये एप्लीकेशन प्रोड्यूस होगी और कंडीशंस में वेरिएशन आ सकते हैं। अगर कोर्ट को ये लगता है व्हाइल द बॉन्ड इज इफेक्टिव, वेरी द बॉन्ड बाय एक्सटेंडिंग और डिमिनिशिंग द ड्यूरेशन देयर ऑफ, या तो वो उसे बढ़ा देगा पीरियड को या फिर उसे वो घटा देगा। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द सर्कमस्टांसेस। अगर ऑफेंडर के इंटरेस्ट में है तो जाहिर सी बात है कि पीरियड को कोर्ट घटाएगा, एंड अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट उस पीरियड को बढ़ाएगा। ध्यान रखिएगा, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ है हाउएवर दैट इट शैल नॉट एक्सीड 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर और बाय ऑल्टरिंग द कंडीशंस देयर ऑफ और बाय इंसर्टिंग एडिशनल कंडीशंस देयर इन। 3 साल से ज्यादा बॉन्ड का पीरियड नहीं होगा कभी भी। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। 1 साल से कम नहीं होगा एंड 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। अगर वेरिएशंस भी इंक्लूडेड है तो भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स अगर आप अपना वीडियो कैमरा को स्विच ऑफ कर सकें तो इट वुड बी बेटर, थैंक यू। रेडमी आप अपना वीडियो को प्लीज स्विच ऑफ करें, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिखें या फिर रेज हैंड करें, आई विल एंटरटेन यू। प्रोवाइडेड दैट रेडमी इफ यू कैन प्लीज टेल योर नेम एंड आईफोन, आप भी अपना नाम बता दें प्लीज, चैट बॉक्स में मेंशन करें। रेडमी प्लीज आप अपना Redmi आप अपना नाम मेंशन करें चैट बॉक्स में, आईफोन अपना नाम मेंशन करें चैट बॉक्स में, थैंक यू। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए हो कि कोर्ट किस तरीके से किन सिचुएशंस में बॉन्ड को वेरी करता है, ऑल्टर करता है एंड चेंजेस को इंट्रोड्यूस करता है आफ्टर द एप्लीकेशन विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोबेशन ऑफिसर। जो भी कोर्ट ने सेक्शन 4 का ऑर्डर से डील किया है, पास किया है, वही कोर्ट कंडीशंस के अंदर ऑल्टरेशंस लाएगा एंड चेंजेस को इंट्रोड्यूस करेगा। बॉन्ड को बॉन्ड के अंदर जो चेंजेस और ऑल्टरेशंस इंट्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से बॉन्ड के ओरिजिनल टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। वो 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है और 1 साल से कम नहीं हो सकता है। इस सब सेक्शन का एक प्रोविजो है जो हमें ये बताता है, प्रोवाइडेड दैट नो सच वेरिएशन शैल बी मेड विदाउट गिविंग द ऑफेंडर एंड द श्योरिटी और श्योरिटी इज मेंशन्ड इन द बॉन्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि प्रोबेशन ऑफिसर ने एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया एंड कोर्ट ने बॉन्ड के अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए। चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने से पहले, लागू करने से पहले, वो ऑफेंडर को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि वो आकर कोर्ट के सामने उनका कोई भी मत रख सकें, उनका कोई भी डिफेंस रख सकें, एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वुड बी गिवन टू द ऑफेंडर। एंड अगर कोई भी श्योरिटी या श्योरिटीज बॉन्ड साइन करते समय एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें भी कोर्ट एक चांस ऑफ बीइंग हर्ड देगा। ध्यान रखिएगा, एक्स पार्टी नहीं हो सकता है, ये पार्टी की प्रेजेंस में ही होगा। ऐसा नहीं है कि पार्टी की एब्सेंस में कोर्ट ने ऑल्टरेशंस और चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए बॉन्ड के अंदर, या वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के ऑर्डर के अंदर, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं हमारे अगले सबसेक्शन पे जो कि हमें बताता है If any surety refuses to consent to any variation proposed to be made under subsection 1, यानी कि जब कोर्ट उन्हें
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करता है, एंड उस समय आके अगर कोई भी श्योरिटी, इफ ही एग्जिस्ट, अगर कोई भी श्योरिटी ये बोलता है कि ही इज नॉट कंसेंटिंग टू दी वेरिएशंस विच आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू दी बॉन्ड, अगर श्योरिटी उसे मना करता है कि ही डजंट वॉन्ट टू बी अ पार्टी एनीमोर टू दी बॉन्ड, या वो श्योरिटी नहीं रहना चाहता है ड्यू टू दी कंडीशंस बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, रिफ्यूजेस टू कंसेंट टू एनी वेरिएशन प्रपोज टू बी मेड अंडर सबसेक्शन 1, द कोर्ट में रिक्वायर द ऑफेंडर टू एंटर इन टू अ फ्रेश बॉन्ड, एंड इफ द ऑफेंडर रिफ्यूजेस और फेल्स टू डू सो, द कोर्ट में सेंटेंस हिम फॉर द ऑफेंस ऑफ विच ही वॉज फाउंड गिल्टी. अगर ऑफेंडर का कोई भी श्योरिटी विड्रॉ करता है बॉन्ड से, तो कोर्ट ऑफेंडर को यह कहेगा कि यू हैव टू प्रोड्यूस अ न्यू श्योरिटी, अगर वो प्रोड्यूस करना चाहता है, या फिर वो उसे कहेगा कि एक फ्रेश बॉन्ड में एंटर करने को कहेगा, जहां पे यही नई वाली कंडीशंस जो कोर्ट इंट्रोड्यूस करता है वो मेंशन होंगे. एंड अगर ये फ्रेश बॉन्ड को साइन करने में ऑफेंडर सक्षम नहीं है या ऑफेंडर साइन नहीं करता है, तो कोर्ट उसे ओरिजिनल सेंटेंस, जिस भी ऑफेंस के लिए वो गिल्टी पाया गया है, उस चीज के लिए सेंटेंस कर देगा. यानी कि मान लीजिए अगर वो कोई ऐसे ऑफेंस के लिए गिल्टी पाया जाता है जिसकी सजा 3 साल है, देन उन केसेस में अगर वो ये फ्रेश बॉन्ड को एंटर नहीं करता है, तो कोर्ट उसे इस 3 साल की सजा के लिए कन्विक्ट कर देगा. ध्यान रखिएगा, श्योरिटी अगर मना करता है तो एक फ्रेश बॉन्ड के अंदर कोर्ट प्रोबेशनर को कहेगा कि आप एंटर करिए, या तो श्योरिटी के साथ करिए या विदाउट श्योरिटी के साथ करिए, लेकिन आपको एंटर करना होगा एक फ्रेश बॉन्ड. और अगर प्रोबेशनर या ऑफेंडर वो नहीं करता है, तो उसे ओरिजिनल सेंटेंस के लिए कोर्ट कन्विक्ट कर देगा. जो भी ऑफेंस उसने कन्विक्ट किया, जो भी ऑफेंस उसने कमिट किया है, उसके लिए उसे कन्विक्ट कर देगा. ये है सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2. आई होप आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं हो. कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. हम लोग लास्ट में एक 5 मिनट का सेशन भी करेंगे, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज यू कैन राइट या पूछ सकते हैं. सेक्शन 8 का लास्ट सबसेक्शन हमें ये बताता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेंट, द कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर. हेलो, प्लीज आप अपना माइक को ऑफ रखें. अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखें, एंड में मैं आपको आपका डाउट रिजॉल्व कर दूंगा. ये सेक्शन हमें ये बताता है, द कोर्ट विच पासेज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर, मे का मतलब है डिस्क्रिशन, इफ इट इज सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द प्रोबेशनर, मेड बाय द प्रोबेशन ऑफिसर, दैट द कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर हैज बीन सच एज टू मेक इट अननेसेसरी दैट ही शुड बी केप्ट एनी लॉन्गर अंडर सुपरविजन, डिस्चार्ज द बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर्ड इनटू बाय हिम. ये सबसेक्शन हमें ये बताता है कि अगर किसी भी प्रोबेशनर का, जिसे प्रोबेशन ऑफिसर के अंडर सुपरविजन में रखा गया है, उसका आचरण, उसका कंडक्ट सही है और उसे अब फर्दर बॉन्ड के अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो कोर्ट उसे डिस्चार्ज दे देगा फ्रॉम द बॉन्ड विच ही वॉज प्रीवियसली एंटर्ड. Which he was previously entered by the court, probation के time पे. ध्यान रखिएगा, court उसे discharge provide करेगा अगर उसका conduct सही रहता है and अगर उसका conduct bona fide रहता है, and if he shows results that he is trying to improve himself, या वो कोई भी offence commit नहीं करता है, या कोई भी distorted act commit नहीं करता है, सभी conditions को follow करता है जो भी bond में दी गई है, तो कोर्ट उसे डिस्चार्ज कर देगा इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड. ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिशन है. ऐसा नहीं है कि ऑफेंडर जाके बोल देगा कि अब मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, सो प्लीज रिलीज मी आउट ऑफ द बॉन्ड. ऐसा नहीं होगा, कोर्ट को सेटिस्फाई होना जरूरी है. सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट इज अ मस्ट. ये था हमारा सेक्शन 8, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया अगर प्रोबेशन ऑर्डर के अंदर अगर कोई भी वेरिएशन कोर्ट इंट्रोड्यूस करता है तो क्या प्रोसीजर होगा, प्रोबेशन ऑफिसर का क्या इसके अंदर रोल रहता है, श्योरिटीज का क्या रोल रहता है, एंड कोर्ट क्या प्रोसीजर को फॉलो करता है व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशंस एंड ऑल्टरेशंस इनटू द ऑर्डर. अब हम डिस्कस करेंगे हमारा आज का लास्ट सेक्शन, जो कि है प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड.
अगर जो भी कंडीशंस बॉन्ड के अंदर दी गई हैं अगर ऑफेंडर उसे फॉलो नहीं करता है तो कोर्ट क्या करेगा। इसका पहला सबसेक्शन है जो कि हमें यह बताता है, इसे हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है। इफ द कोर्ट विच पासेस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर और एनी कोर्ट विच कुड हैव डेल्ट विद द ऑफेंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज ओरिजिनल ऑफेंस हैज रीजन टू बिलीव, यानी कि कोर्ट को लगता है कि उसे रिलीज करना चाहिए, या सॉरी कोर्ट को लगता है कि वो कंडीशंस जो कि इम्पोज की गई हैं उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स अगर ये सेक्शन हमारा आज डिस्कस नहीं होता है देन इट विल बी देन आई विल टेक इट इन द इवनिंग क्लास, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल अगेन टेक द सेक्शन 9 ऑफ प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट ऑन द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर और अदरवाइज, अगर कोर्ट को लगता है प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे या फिर कोर्ट की फाइंडिंग के बेसिस पे that the offender has failed to observe any of the conditions of the bond or bond entered into by him, agar wo conditions ko follow karne mein follow nahi karta hai, it may issue a warrant, agar wo follow nahi karta hai to court ek arrest warrant issue karega, ya fir or may if it thinks fit issue a summons to him and his surety, agar arrest warrant issue nahi karta hai to surety ko, agar koi exist karta hai to, या फिर ऑफेंडर को समन्स इशू करेगा रिक्वायरिंग हिम और देम टू अटेंड बिफोर इट एज सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन टू समन्स। समन्स में वो ऑफेंडर को या फिर श्योरिटीज को ये कहेगा कि दे हैव टू अपियर बिफोर द कोर्ट ऑन द डेट एंड टाइम विच इज मेंशन्ड अंडर द समन। अगर वो कंडीशंस को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो या तो अरेस्ट वारंट इशू करेगा कोर्ट या फिर समन्स का ऑर्डर इशू करेगा जिसके अंदर वो समन करेगा श्योरिटी को अगर कोई एग्जिस्ट करते हैं तो, या फिर ऑफेंडर को कि वो कोर्ट में एक पर्टिकुलर डेट और एक पर्टिकुलर टाइम पे बुलाए गए हैं सो दैट दे हैव टू कम एंड अपियर बिफोर द कोर्ट। ये है सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1। दूसरा सबसेक्शन हमें ये बताता है द कोर्ट बिफोर विच एन ऑफेंडर इज सो ब्रॉट और अपियर्स, अगर ऑफेंडर कोर्ट के सामने लाया जाता है, लाया कब जाएगा जब वो अरेस्ट वारंट के अंडर अपियर होता है, एंड अगर वो अपियर हो रहा है, अपियर से मतलब है अगर वो समन्स के थ्रू आया है तो कोर्ट उसे या तो रिमांड करेगा कस्टडी में ले लेगा अंटिल द केस इज कंक्लूडेड और इट मे ग्रांट हिम बेल, या फिर बेल दे देगा। बेल कब देगा अगर ऑफेंडर कोई भी जेन्युइन या बोनाफाइड रीजन उसके कंडीशंस को फॉलो कर कंडीशंस को फॉलो नहीं करने के अगर कोई बोनाफाइड रीजंस ऑफेंडर कोर्ट को प्रोवाइड करता है तो वो उसे बेल पे रिलीज कर देगा, अदरवाइज द कोर्ट मे टेक हिम इनटू कस्टडी। और बेल को रिलीज करते हुए वो कोर्ट उसे यह डायरेक्ट करेगा दैट ही हैज टू अपियर ऑन अ पर्टिकुलर डेट विच मे बी फिक्स्ड फॉर हियरिंग। हियरिंग के लिए अगर कोई पर्टिकुलर डेट कोर्ट फिक्स करता है तो वो बेल में उसे यह मेंशन करेगा कि उसे उस दिन उस पर्टिकुलर टाइम पे कोर्ट के सामने अपियर होना होगा। तो ध्यान रखिएगा अगर अरेस्ट वारंट के थ्रू है तो यहां पर ब्रॉड का मतलब है अरेस्ट वारंट के थ्रू लेके आया गया है, अपियर शब्द से मतलब है समन्स के थ्रू वो खुद से विलिंगली अपियर हुआ है। आइए चलते हैं हमारे अगले सबसेक्शन पे जो कि हमें बताता है इफ द कोर्ट आफ्टर द हियरिंग इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर्ड इनटू बाय हिम, अगर कोर्ट को यह लगता है आफ्टर हियरिंग आफ्टर लिसनिंग टू द ऑफेंडर कि उसने बॉन्ड की कंडीशंस को मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ फॉलो नहीं किया है, कोई भी बोनाफाइड रीजन नहीं था उसके पास उसे ऑब्जर्व नहीं करने का, देन द कोर्ट मे का मतलब है डिस्क्रिशन। अगेन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा मे शब्द पे हमेशा ध्यान रखिएगा, द कोर्ट मे सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, या तो कोर्ट उसे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर देगा या फिर वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर वो फर्स्ट टाइम कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हुए नहीं पाया जाता है देन विदाउट प्रेजुडाइज टू द कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड उसका कंटिन्यू ही रहेगा, इम्पोज अपॉन हिम अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज, कोर्ट उस पर 50 रुपए तक का फाइन लगाएगा अगर वो फर्स्ट टाइम ब्रीच करता है कंडीशंस को और उसे ऑब्जर्व नहीं करता है। तो
तो फ्रेंड्स, या तो कोर्ट को लगता है कि उसने सही तरीके से फॉलो नहीं किया है तो उसे वो ओरिजिनल ऑफेंस के लिए कमिट करेगा, कन्विक्ट करेगा, या फिर ₹50 तक का फाइन लगाएगा उसके ऊपर अगर वो फर्स्ट टाइम कंडीशंस को ऑब्जर्व करता हुआ नहीं पाया जाता है तो। आइए चलते हैं हमारे आज के लास्ट सबसेक्शन पे, जो हमें बताता है इफ अ पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3, जो कि पेनल्टी ₹50 तक की है, हमने डिस्कस करी है, इज नॉट पेड विद इन सच पीरियड एज द कोर्ट में फिक्स, द कोर्ट में सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। अगर जो भी ऑफेंडर है ₹50 तक का फाइन जो उस पर इम्पोज किया गया है उसे वो पे नहीं करता है, डिफॉल्ट करता है, तो कोर्ट सबसेक्शन ए के अंदर जो दे रखा था ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर सकता है। डिफॉल्ट के केस में कोर्ट उसी को फॉलो करेगा और उसे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेक्शन 9। आज हम लोगों ने सेक्शन 6, 7, 8 और 9 को डिस्कस किया। इसका रिकॉर्डिंग हम लोग हमारे YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे, तो आप उसे वहां से जाकर रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट अस ऑन logicaindia@gmail.com या हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आप हम लोगों को मैसेज करके पूछ सकते हैं। शाम के एक सेशन में हम लोग इसे फिर से डिस्कस करेंगे, एक रिविजन होगा, वो क्विक रिविजन होगा, एंड आई विल ऑल्सो पुट सम क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, कुछ MCQ क्वेश्चन एंड कुछ मेन्स के क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे हम डिस्कस करेंगे शाम के सेशन में। सो आई होप आप लोग उसे अटेंड करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें आप मुझे पूछ सकते हैं। देर इज स्टिल टाइम इन द क्लास, थोड़ा सा टाइम बचा है अभी, देर इज 1 or 2 minutes। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो। बहुत ही बेसिक और इजी सेक्शंस हैं ये, एक्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन प्री में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस इस एक्ट से आ जाते हैं, एंड मेंस में भी 4 या 5 नंबर के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स या क्वेश्चंस इस एक्ट से रिलेटेड कई बार आए हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस एक्ट के सेक्शन 3, 4, 6, 7 हम लोगों ने 9 और 8 डिस्कस किया, 13 और 14 जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वो इस एक्ट के इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमने यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाल रखी है, सो यू कैन गो एंड सी देयर। 13, 14 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बताता है एंड उसकी ड्यूटीज के बारे में बताता है, फंक्शंस के बारे में बताता है। शाम को जो क्लास है वो 7:30 बजे होगी, एंड आई होप यू विल बी ज्वाइनिंग द क्लास। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, MCQs एंड मेंस के